पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज यानी गुरुवार को भी 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिससे पिछले 10 दिनों में कीमतों में कुल वृद्धि 6.40 रुपये प्रति लीटर की हो गई है। देश भर में दरों में वृद्धि की गई है, लेकिन स्थानीय कराधान के आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतें हैं। सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 101.81 रुपये प्रति लीटर होगी, जो पहले 101.01 रुपये थी, जबकि डीजल की कीमत 92.27 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 93.07 रुपये प्रति लीटर हो गई है। 22 मार्च को दर संशोधन में 4.5 महीने के लंबे अंतराल की समाप्ति के बाद से कीमतों में यह 9वीं वृद्धि है। इस दौरान कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6.40 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हुई कच्चे तेल की कीमतों का असर भारत में अब देखने को मिल रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत $139 प्रति बैरल तक पहुंचने के बाद अब नीचे आ चुकी है, लेकिन अभी भी $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।